बच्चे के चाचू, तुझे तो मैं लड्डू देना भूल ही गई। ये ले लड्डू। राजवीर, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैं इतनी खुश पहले कभी नहीं हुई जितनी आज हूँ। देखा राजवीर, इसका मतलब भगवान है। हमने इतनी कोशिश की और उन्होंने हमारी सुनी। हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे और देख, भगवान ने अमन भाभी की गोद भर दी। हाँ, वो तो है। तूने भी ना कमाल कर दिया है। क्या धमाकेदार एंट्री मार रही है सच में। मतलब लास्ट मौके पे आके बोलती है रुक जाओ, मुझे तो लगा जैसे मैं कोई फिल्म का सीन देख रहा हूँ। खबर अमन भाभी की मिली, लेकिन खुश तू बहुत है। हाँ हाँ राजवीर, देखना घर में सब कितने खुश है। और पापा जी, उनको तो मैंने इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। अब बच्चे के आने के बाद ना, वीर जी भी जिम्मेदार हो जाएंगे और इस घर का माहौल भी बदल जाएगा। क्या हुआ राजवीर? हाँ, सब बदल जाएगा, लेकिन तू, मैं, हमारा ये रिश्ता क्या ये बदलेगा? बदलेगा। जरूर बदलेगा। वो है ना, सबका करता धरता, बदलेगा। अब ये खिलाएगी? राज, तेरे वास्ते कुछ भी। मैंने 25 लाख रुपए भेजे थे आश्रम के लिए, और चाहिए होंगे तो मांग लेना जी। जी जी, आ गए आ गए। सदा सौभाग्यवती भाव, आयुष्मान भाव। बहू, सम्मान की साड़ी। तुम अब सिर्फ इस परिवार की बड़ी बहू ही नहीं, बल्कि परिवार के युवराज की मां बनने वाली हो। बग्गा परिवार का वारिस तुम्हारी गोद में खेलेगा, तुम्हारी कोख से जन्म लेगा। सच में बहुत भाग्यशाली हो तुम बग्गा साहब। जी जी, अगले वर्ष आने वाले महोत्सव में मां को चंदन का लेप लगाने का सम्मान आपके परिवार को ही जाएगा। भाग्य हमारे। अब मैं चलता हूं। जी जी जी। अब मंगीराम अपनी गाड़ी में छोड़ के आ गुरुजी को। बहू, किसी चीज की फिक्र नहीं करनी है तेरे को। तुझे जो कुछ चाहिए होगा ना, बिना किसी से डरे हुए और बिना शर्माते हुए मुझसे मांग। भाई, हमारे खानदान में जो आने वाला युवराज है ना, उसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ओ मेरे जंगली सांड, तेरे को ना अब अपनी वोटी का ध्यान रखना है, समझा कि नहीं? ये जितनी हरकतें करता ना जंगलियों वाली, ये बंद कर। और अगर आज के बाद हाथ उठाए ना इस पे, टूंडा कर दूंगा तेरे को मैं। घर के अंदर रहना है रातों को, बाहर नहीं जाना मुंह मारने, समझा कि नहीं? और जरा ये सामान ले और लेके जा, उठा इसको, तो कमरे में छोड़ के चल।
तो सीधा साधा ही रहा है उन लोगों की तरह। पता नहीं कौन है ये बंदर जैसी शक्ल वाला। अरे वाह, मैंने तो लगा था कि मैं एक फोटो से क्या कर लूंगी, लेकिन मेरी स्मार्ट मम्मी ने तो इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल के रखी है। अजूनी, अब मैं इस घर में वापस आ गई हूँ और मेरे हाथ में एक ऐसा पत्ता है जो मैं कभी भी कैसे भी खोल सकती हूँ। अब ये तेरा गंदा साया मैं अपने वीर जी से दूर किए बिना चुप नहीं बैठूंगी। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अभी आप कुछ नहीं करेंगी, ठीक है? आप सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करेंगे। तो ये पालक तू मेनू साफ करके देगा? हाँ हाँ, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर दूंगा। जी कोई नहीं जी, अब चमको कर देगी। हाँ चमको, मैं करती हूँ। भाभी आप ना किसी भी बात की टेंशन मत लेना, कुछ भी हो ना मैंने बोलना, मिनटों में खत्म कर दूंगा काम, मिनटों में। जैसे पापा जी कहते हैं ना कि एक खाओ और 100 टुकड़े, बिल्कुल वैसे कर दूंगा। आपको पता है कुकू और शोकी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। वो शोकी कोई स्कूल का फॉर्म लेके आया था, इंग्लिश मीडियम। हाँ, और कुकू, कुकू ने तो उसका कुश्ती में अभी से दाखिला करा दिया। लेकिन एक बात कह देता हूं, मैं अपने भतीजे को कुश्ती ही लड़वाऊं और देखना ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि यहां डोले में हाथ मारेगा और दिल्ली तक आवाज जाएगी। मतलब तेरा भतीजा भी तेरी तरह मस्तीखोर होने वाला है? जी क्यों नहीं जी, बग्गा खानदान का खून होगा उसमें, थोड़ी तो मस्ती करेगा ना, क्यों भाभी, है ना? लेकिन एक बात कह देता हूं, मुझे ना वो वीर जी की तरह नहीं चाहिए, कम अकल नहीं, मुझे वो आपकी तरह चाहिए, हसमुख, अच्छे दिल वाला। अब उसकी सारी टेंशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए। राजवीर, तू मेरे बच्चे को इतना लाड करेगा तो अपने बच्चे को कितना करेगा? मैं अपने बच्चे को बहुत लाड करूंगा, बहुत ज्यादा। जितना पापा जी मुझसे करते आए हैं ना, उससे भी ज्यादा। और पता है मैं उसे हर वक्त क्या कहूंगा? तेरे वास्ते कुछ भी। ये बड़ी फिक्र हो रही है तेनु उसकी? ये सब जो हो रहा है ना तेरी वजह से हो रहा है। रुक, बड़ा शौक है ना तुझे दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने का, तो एक बात कान खोल के सुन ले, मैं शिखा से व्याप करके रहूंगा और फिर वो आएगी तेरी जिंदगी में जहर घोलने। रविंदर सिंह बग्गा से पंगा लिया है ना तूने, बहुत भारी पड़ने वाला है तुझे। पापा जी अब बस करिए, आप दादाजी बनने वाले हैं।
उसी की खुशी में तो पी रहा हूं मैं। नहीं पापा जी, तू चाचा बनने वाला है पीर। नहीं पापा जी, नहीं। पक्का? लोग कहते हैं कि जिसने की शराब उसके बूटे खराब। पक्की का मैं पीता हूं क्या? शराबियों को ना फोर्स नहीं करते। इसकी शक्ल देख, ये बाप बनने वाला है, लेकिन शक्ल ऐसी है जैसे ना इसका बाप ना चल बसा। भाई शक्ल देखा है, ऐसा लगता है इसकी ना बकरी मर गई। मेरे को डांस करना है। पापा जी, अरे यार मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे को नाचना है यार। मैं नाचूंगा, कौन सा गाने पे नाचूं? याद है वो वाला गाऊं मैं जो तुझे छेड़ रहा हूँ? वो ही गाएंगे, टिंगलिंगलिंग टिंगलिंगलिंग मेरी वट्टी मेरी वट्टी टिंगलिंग लिंग 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 लिंग। समझ समझ। ए तू करना डांस मेरे साथ, उठ ना। संभालिए। ए मैं खुद गिर गया, चलो मैं उड़ूंगा। बहुत साल हो गए इसको मैंने ना प्यार करके सिलाया नहीं है। तू बड़ा बेटा है ना मेरा। तू तो मेरा इतना मन होते हुए भी आपने मेरा और शिखा का ब्याह तोड़ दिया। आप नहीं तोड़ सकते। क्या बोला? मैं कैसे छोड़ सकता? मैं बताता, तू इधर आ। मैं बताता। नमस्ते। बाखूबता ऐसा मनोज मुहूर्त पर पहले हुआ है तो बदतमीज आदमी ये ना, थोड़ा सा प्यार से बात करता तो औकात दिखाता है। और इसको देख कितना बीवा बेचा मैं, पूरे दिन चिढ़ाता हूँ इसको तो वड्डी के पीछे पीछे घूमता है। लेकिन मजा आ रहा कभी मुँह से निकला तू। तेरे को शिखा के साथ ना जो भी करना कर, मुंह काला कर। लेकिन ए इसको बोल रहे बग्गा परिवार के घर के बाहर हो गए सब। पूरा दिन ये जो करता मेरी वाटी और तेरी वाटी अंदर तेरे बच्चे को जन्म दे रही है। जब तक बड़ी बो घर में है तेरा दूसरा ब्याह नहीं होगा। ये मेरा वादा। अरे तू सो ही नहीं अभी तक? अमन भाभी से बातें कर रहे थे, फिर महर का फोन आ गया। अभी हमारे घर में बच्चा आने वाला है ना, तो पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। तो देखना सबकी नींदें उड़ जाएगी। उसका रोना, उसकी मस्ती, उसका खाना पीना, यही देखते देखते सबका दिन निकल जाएगा। एकदम करेक्ट करेगी तू। और देखना कैसे मैं अपने भतीजे को बिल्कुल पहलवान बनाता हूँ, फर्स्ट क्लास वाला।
बाबूजी। अंजुली सॉरी 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 दिखा 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 इधर ठीक है ना तू हाथ हटा दर्द हो रहा है सॉरी मैं ठीक हूं नहीं इसके लिए नहीं तो सब चीजों के लिए मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है जूनी बहुत ज्यादा तेरा ब्याह फिक्स हो गया था मैं बीच में घुस गया जबरदस्ती तेरे से शादी की और मेरे घर वाले भी तुझे कितना कुछ कहते हैं ना लेकिन तूने तूने कभी मन में उनके खिलाफ बैठ नहीं रखा तू अमन भाभी के लिए सबसे लड़ती है अपनेपन से अगर मैंने तुझे कभी कुछ बुरा भला कहा हो तो मुझे माफ कर देना मैंने जो कुछ भी किया है जूनी सिर्फ तेरे लिए किया है क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं बहुत ज्यादा तेरे घर वालों से तो मैंने शादी के मंडप में सबके सामने माफी मांग ली थी लेकिन तुझसे नहीं मांगी इसलिए सॉरी लाइट ऑफ कर दो Stop.